खाना है? वड़ा पाव। वड़ा पाव। मूवी चल रही है, वड़ा पाव। एग्जाम ओवर हो चुका है। ये देखो वैभव, क्या खाना है? वड़ा पाव। क्या खाना है? वड़ा तो मेरे बच्चों को ना वड़ा पाव बहुत ज्यादा पसंद आता है। हफ्ते में एक बार तो मैं बनाती ही हूँ उनके लिए। और मेरे घर के नीचे जो दुकान है वहाँ पर भी वड़ा पाव मिलता है। बहुत ही फेमस नॉन शॉप है मेरे घर के नीचे, लड्डू गोपाल वैजाग की बहुत ही फेमस शॉप है। उस पर भी वड़ा पाव मिलता है 50 रुपये का एक। तो फिर मैं घर पे ही बनाती हूँ। कभी कभी बच्चे ले आते हैं, टेस्ट ओके ओके होता है, लेकिन मैं घर पे बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो बच्चों ने आज कहा मम्मा वड़ा पाव बना दो, तो मैंने कहा ठीक है। जैसे मैं किचन में गई तो मेरे पास आलू नहीं थे, 2 आलू पड़े थे छोटे छोटे। और उस टाइम पर जब मैं ये जब उनका मन था खाने का, दुकान नहीं खुलती है मेरे यहाँ। दुकान खुलने का समय 10 बजे होता है, और जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पर मॉर्निंग में दुकान तो खुलती नहीं है। रिलायंस है, लेकिन रिलायंस में आलू अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, इसलिए मैं नहीं लेकर आई थी। तो मैंने सोचा चलो कुछ ऐसा बनाया जाए जो बच्चे भी खुश हो जाए और मुझे भी बनाने में मज़ा आए, प्लस आपके साथ एक बढ़िया सी रेसिपी मैं शेयर कर दूंगी। तो मैंने ले लिए हैं प्याज 2, और 2 ही आलू हैं आप देख सकते हैं। हरा धनिया खूब सारा कट कर लेंगे, एक हरी मिर्च को फाइन चॉप कर लेंगे, और ये प्याज जो है इन्हें इस तरीके से स्लाइसेस में कट करेंगे। वैसे तो मेरे पास स्लाइसर भी है, उसमें भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपको प्याज को कट करना है। प्याज को स्लाइसेस में कट करके इस तरीके से हाथों से थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे तो ये लच्छे जैसे खुल जाएंगे। तो आपको बिल्कुल इस तरीके से ना खोल लेना है, मोटी मोटी प्याज हमें नहीं चाहिए इसी तरीके से। फिर इसमें धनिया, करी पत्ता, साबुत ही डाल देंगे, और ये जो कच्चे आलू हैं इन्हें मोटी साइड से कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस ही करना है, इस बात का ख्याल रखें। तो दोनों आलू मैंने कद्दूकस कर लिए, टोटल 4 हो गया, 2 आलू 2 प्याज। इसमें डाला मैंने 1 बड़ा चमचा भर के, यानी कि 1/4 कटोरी के करीब बेसन, और 1/4 कटोरी कॉर्नफ्लावर, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, साबुत जीरा, अजवाइन, काली मिर्च का पाउडर, आमचूर पाउडर, नमक, नींबू का रस, और थोड़ा चाट मसाला और हल्दी का पाउडर थोड़ा सा। ये ही मसाले मैंने डाले हैं। नींबू के रस से बहुत ही चटपटा सा इसका फ्लेवर आएगा। आप अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों से प्रेशर डालकर, और थोड़ा सा पानी का छींटा डालेंगे ताकि बाइंडिंग आ जाए इसमें। इसमें भर भर के पानी नहीं डालना है, कोई कटोरी कप या चम्मच से मेजर नहीं करना है, बस हाथों से हल्का सा छींटा मारकर आप इस तरीके से प्रेशर डालेंगे ना, तो प्याज और आलू जो था वो नमक की वजह से पानी छोड़ देंगे और आपको पानी डालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो बस अब इनके हाथों से इस तरीके से गोले बना ले जैसे मैंने आपको दिखाया है। कोई प्रेशर डालकर गोला नहीं बनाना है, हल्के हल्के हाथों से गोला बनाएंगे तो ये अंदर तक सिकेंगे। और चूंकि ये तेल मूंगफली का है इसलिए इसमें झाग आ रहे हैं तेल में, जो कि एक शुद्धता की निशानी होती है। अब मध्यम आंच पर इन गोलों को हम सेक लेंगे। इन्हें ज़्यादा मोटा मोटा ना बनाएं, ठीक ठीक साइज़ का बनाएं। अगर आप ज़्यादा बड़ा भी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमें एक बार और इन्हें फ्राई करना है। अब जब ये वड़े सिक जाएंगे, ये बहुत क्रिस्पी होते हैं, पर चूंकि ये काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के हैं तो ये अंदर तक क्रिस्पी नहीं होंगे। तो अभी मैंने ले लिया घोटना। आप पाव भाजी मैशर ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, किसी की भी बैक साइड से हल्का से इस तरीके से प्रेस कर दें तो इस तरीके से टिक्की की शेप ले लेगा। और अब हम इसे डबल फ्राई करेंगे मध्यम आंच पर सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए। फुल फ्लेम पर तेल गर्म होगा, उसमें एक एक करके वड़े डालेंगे और इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पर सेक लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, या फिर तब तक जब तक कि इनका रंग सुनहरा ना हो जाए। अंदर तक ये अच्छे से पक जाएंगे और ये इतने क्रिस्पी बनेंगे ना, इस बार इस फ्राइंग की वजह से सुपर क्रिस्पी बनकर ये तैयार होंगे। तो आप आलू वड़ा, बटाटा वड़ा, या फिर सांभर वड़ा, या कोई भी वड़ा तो बहुत बनाते होंगे, इस तरीके से प्याज और आलू के वड़े बनाना, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। इनकी क्रिस्पीनेस इतनी ज़्यादा होती है और उनका टेस्ट इतना शानदार होता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आने वाले हैं। तो 2 बैचेस में मैंने इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया। अब चटनी बनाते हैं। टमाटर ले लेंगे 1, हरी मिर्ची स्वाद के हिसाब से। ये चटनी बहुत ही सुपर हिट है, आप इसे ट्राई करना। थोड़ा सा लहसुन, अगर नहीं खाते तो हटा दें। धनिया पत्ती, थोड़ा पुदीना, जीरा, नमक, और थोड़ी सी रायते वाली बूंदी, और थोड़ा सा चीनी, 1 चम्मच चीनी भी डालना है, और नींबू का रस डाल सकते हैं, और थोड़ा पानी, और इसे पीस लें। ये चटनी इतनी स्वादिष्ट बनती है, किसी भी तरह के व्यंजन का स्वाद 4 गुना बढ़ा देगी। तो यहाँ पर एक तरीका तो ये है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं कि आप इन्हें एज इट इज़ सर्व करिएगा, ये सुपर क्रिस्पी टेस्टी होते हैं। अचानक से घर में मेहमान आए तो गोल गोल वड़े बनाकर पहले ही रख लें, और जब मेहमान आ जाएं तब चाय एक तरफ रखेंगे, तब तक दूसरी साइड में फ्राई करके
मेहमानों को फटाफट सर्व कर सकते हैं। इवन फ्रिज में बनाकर भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारे सुपर टेस्टी क्रिस्पी वड़े बनकर तैयार हो गए हैं, जो बहुत ही मज़ेदार बने हैं, बहुत ही शानदार। तो एक तरीका तो ये है कि आप इन्हें एज इट इज़ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं ये। लेकिन चूंकि मेरे बच्चों को खाना था वड़ा पाव, तो मैंने नीचे से मंगवाए फटाफट पाव, और ये 6 पाव आए हैं 60 रुपये के, 10 रुपये का एक पाव है ये। ये भी हमने लड्डू गोपाल की दुकान से ही लिया है। तो यहाँ पर वैसे मैं पाव बना लेती हूँ घर में, लेकिन क्या है कि बच्चे जैसे एकदम से बोल देते हैं चीज़ खानी है, और इस तरह की ब्रेड पाव बनाने में समय लगता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो फ्रेश पाव थे ये, अच्छी क्वालिटी के थे, लेकिन मुंबई जैसा पाव नहीं है। अब मैंने क्या पाव पे लगाई हरी चटनी जो अभी बनाई थी। आपको अगर मीठी चटनी इमली वाली पसंद है तो एक तरफ वो भी लगा सकते हैं, लेकिन हरी चटनी के साथ ये बहुत स्वाद लगते हैं। थोड़ा सा मैंने डाला है गार्लिक का मसाला, ये चटनी है सूखे वाली, ये आप लगा सकते हैं। गार्लिक की चटनी मैंने घर पर बनाकर तैयार करी है, तो ऊपर की साइड में भी मैंने हरी चटनी लगाई, और ये हमारा भजिया पाव तैयार है। तो ये आलू प्याज के भजिया या आलू प्याज का वड़ा बहुत ही अमेजिंग बनता है, आप ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। वड़ा पाव तो हर कोई खाता है, ये रेसिपी आप ट्राई करना। तो ये बहुत टेस्टी से हमारे, ये इतना क्रिस्पी बनता है कि आप इसे एक बार बनाकर 2-3 घंटे भी छोड़ देंगे ना, तो ये सुपर क्रिस्पी रहेगा। ये देखिए अंदर तक इमली पका है, ये बहुत शानदार बना है, ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। तो जब हो कुछ अलग खाना, ये वड़े और पाव के साथ खाना आपको मजा आ जाएगा। तो मेरे पास पूरा सामान नहीं था वड़ा पाव बनाने के लिए, प्रॉपर आलू वगैरह नहीं थे, तो मैंने ऐसे मैनेज किया। और अब देखते हैं कि बच्चों को कैसा लगेगा। म्यूट करो टीवी, लाइट ऑन करो, और खा के बताओ कैसा बना है। लाइट ऑन, कैसा है, वड़े पसंद आए? पास हो गई रेसिपी? ओके, थैंक यू।